मैं विजय कुमार श्री श्यामा इंडस्ट्री रामगढ़ से बात कर रहा हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हम एक मशीन के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, उसका पूरा प्रोसेस बताएंगे, मशीन में क्या क्या हम लोग वर्क कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं। तो जानिए, आप अब आपके पास आते हैं, हम लोग मशीन को लेकर आते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, पाउच पैकिंग मशीन है हमारे पास में। ये आपको फुली ऑटोमेटिक मशीन, इस तरह से पाउच ऐसा बना सकते हैं, जैसे मसाला वगैरह पैक करना, इस तरह का पाउच ऐसा बना सकते हैं। तो इसके जानने से पहले आप जानेंगे कि हमको मशीन में क्या क्या पार्ट्स है, कैसे क्या काम करता है, पहले वो प्रोसेस जानेंगे। जैसे कि हमारा जो मशीन है, यह हमारा कंट्रोल पैनल है, यह ऑन ऑफ के लिए बटन हो गया, ये मोटर का स्विच हो गया, ये आपको सारा कुछ दिया हुआ है, आपका टेम्परेचर इंडिकेटर है, ये आपका टेम्परेचर आपको सीलिंग दिखा रहा है। जैसे हमारा सीलर है, एक ये सीलर, एक ये सीलर है, ये दो का टेम्परेचर आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। ये जो आप देख रहे हैं, आपका न्यूमेटिक मशीन है। न्यूमेटिक कहने वाले कि एयर कंप्रेसर से आपका सीलिंग का प्रोसेस होता है। ये आप देख रहे हैं, आपका सिलेंडर है, ये सीलिंग जो प्रोसेस है, जो एयर न्यूमेटिक हमारे से जो कंप्रेशर आप देख रहे हैं, ये 2 HP का कंप्रेशर हमारा है, इससे हमारा सीलिंग का प्रोसेस आगे बढ़ता है। ये देख रहे हैं सिलेंडर से वो टचअप है। अब बाकी हम लोग इसका बारीकी से जानेंगे, तो आप आइए इधर से हम लोग आपको दिखाते हैं। ये हमारा होपर हो गया, ये हमारा मसाला का होपर हो गया। आपको माल यहाँ पर देना है, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर डिस्क है, इसे हम लोग डिस्क कहते हैं। ये आपको कप फिलिंग है, जैसे कि जो आप माल डाल रहे हैं, कप से माल आपका इस तरह से सूट में गिरता है। ये कप आप देखिए, सीधा यहाँ से गिर जाएगा पूरा, मतलब ये आपको राउंड घूमता है ये, तो आपका सूट पर गिरेगा, और सूट से होते हुए आपका इधर आ जाइए। ये देखिए जो हमारा जो ये आपका रैपर आप देख रहे हैं, इस तरह से आपका, इस तरह से आप डायमेंशन आते हुए आपका ये सूट है, सूट के थ्रू ये आपको लंबा होते हुए जाता है। पहले एक बार प्रोसेस जो होता है, ये आप देख रहे हैं आपका डाई रोलर है, ये रोल खींचता है भी पेपर को और सील भी करता है। पहले आपका है क्या कि वर्टिकल सील होता है, वर्टिकल सील होने के बाद ये जो आप न्यूमेटिक आप देख रहे हैं, इससे आपका हॉरिजॉन्टल सील होता है। तो ये आपका दो प्रोसेस है, इसे हम लोग कहते हैं हाफ न्यूमेटिक। अगर आप इसमें फुल न्यूमेटिक आप चाहते हैं, तो ये जो सीलर आप देख रहे हैं, कंप्रेशर न्यूमेटिक सीलर जो है, ये आपका वर्टिकल भी इस तरह से लग जाएगा कि वो फुल न्यूमेटिक हो गया। इसमें आप कोई भी आइटम अगर आप पैक कर सकते हैं, मसाला आइटम हो गया, ग्रेन्यूल आइटम हो गया, दानादार आइटम हो गया, सारा कुछ आप कर सकते हैं। सभी के डिज़ाइन अलग अलग होता है हमारे पास, 1 से 10 ग्राम बोलिए, 10 से 50 ग्राम बोलिए, 50 से 200 ग्राम बोलिए, सब तरह के मशीन हमारे पास अवेलेबल है। हम लोग मशीन वगैरह बनाते हैं, रिपेयरिंग करते हैं, साथ टोटल हम सर्विस को प्रोवाइड करते हैं। कोई पार्ट्स का कोई बड़ी हो, कोई पार्ट्स के हम लोग प्रोवाइड करते हैं। एक बढ़िया रेट में बढ़िया क्वालिटी चीज़ आपको हमारे यहाँ से रामगढ़ एरिया से आपको मिल जाएगा। तो इसमें सारा प्रोसेस आपने देख लिया। अगर इसमें आप चाहते हैं कि आपको थोड़ा और कुछ अलग आइटम पैक करना है, जैसा नमकीन कुरकुरे वगैरह पैक करना है, तो मशीन आपको प्रोसेस सारा कुछ सेम रहता है, बस मशीन का आपका डायमेंशन बढ़ जाएगा। मशीन छोटा बड़ा होता है, डिज़ाइन किया जाता है कि कैसा आइटम आपको पैक करना है, उसके हिसाब से मशीन की डिज़ाइनिंग होती है। तो आपने देखा ये सारा प्रोसेस है। अभी मैं बस इसको मैं चालू करके मैं आपको डेमो भी दिखा रहा हूँ, कैसे आपके मसाला वगैरह पैक हो रहा है। एक मैं आपको डेमो दिखाता हूँ, चलिए। पहला आपका ये हो गया कि स्विच है, अभी ये ऑन ऑफ का स्विच है, ठीक है। पहले आप ये टेम्परेचर देख लीजिए, ऊपर 109 का टेम्परेचर है, 14 डिग्री का टेम्परेचर है, दोनों सेल का टेम्परेचर हो गया। पहले हम लोग इसको ऑन करेंगे, चलिए। ये तो आपका ऑन है, अभी हम लोग मोटर क्या प्रोसेस है, पहले हम लोग मोटर का स्विच ऑन करते हैं। तो मोटर का स्विच ऑन हो गया, कब फिलिंग दिखाते हैं। पहला प्रोसेस आपका माल यहाँ पर दिए, माल यहाँ से देखिए अंदर से आपका ये जो कप फिलिंग है, यहाँ से पूरा फिल होकर ये आपका होपर में गिरेगा, सूट में गिर रहा है माल, और यहाँ से आपका सील होते हुए इस तरह से आपका जो है पहला प्रोसेस आप देख रहे होंगे, ये आपका वर्टिकल सील हो गया, इसको डायर रोलर हम लोग बोलते हैं, पेपर खींचे गए सील भी गिरेगा, देन आपका न्यूमेटिक सील आपका ये हो गया। आइए देखिए, इस तरह से आपका लरी बनते जा रहा है। आपको जितना पे लरी सेट करना है, 10 पे करना है, 12 पे करना है, 15 की लरी बनाना है, सब तरह का आपका इसमें क्वांटिटी हिसाब से सेट करके इसमें काम आप कर सकते हैं। तक इसमें कैपेसिटी आता है, लेकिन डिजाइन किया जाता है अलग अलग क्वांटिटी के हिसाब से, मशीन के आपका अलग अलग डिजाइनिंग होता है। इसी पे छोटा मशीन चाहेंगे तो 1 से 10 ग्राम तक मशीन हमारे पास अवेलेबल है, 10 से 50 ग्राम रेंज अवेलेबल है, 1 ग्राम से लेकर आप 200 ग्राम तक माल रेंज अवेलेबल है, 1 इंच तक माल आप कर सकते हैं। तो सब डिजाइनिंग अलग अलग होता है, प्रोसेस आपका सारा कुछ यही प्रोसेस है। इसमें आप देखेंगे रिबन कोडिंग में लगा हुआ है, इसे बैच कोडिंग आप लगा सकते हैं, जिसमें का MRP डेट होगा, सारे प्रिंट आउट इसमें आपका हो जाएगा, या वो फुल व्यू मशीन का आपका हो गया। तो इसी के साथ दोस्तों, हम लोग आज का वीडियो यहीं पर कंप्लीट करते हैं।
जिन जिन्हें को हमारे पास संपर्क करना है, नंबर हमारे नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, आप उसे जाके डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। और अगर नियर बाय झारखंड में हमारे पास सारे मशीन अवेलेबल है, इसके अलावा और मशीन हम लोग काम करते हैं, आपको सारा मटेरियल हमारे यहाँ पे मिल जाएगा। एक बार हमसे विजिट कीजिए, मशीन की प्लानिंग कीजिए और आगे बिजनेस को आगे उसको चालू कीजिए। चलिए, धन्यवाद।